रायबरेली में सरकार की सख्ती के बाद भी नहीं रुक रही हर्ष फायरिंग। एक महिला नेत्री के बाद एक युवक का हर्ष फायरिंग करते और जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष का असलाह प्रदर्शन करते वीडियो हो रहा वायरल। सीओ सिटी ने कहा, वायरल वीडियो की जांच करवाकर विधिक कार्रवाई और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई हो। फरुखाबाद में दबंगों ने वाल्मीकि समाज की बारात निकलते समय कार निकालने के विवाद में बारातियों को जमकर पीटा। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के लोको रोड पर बीती रात हुआ हंगामा। वाल्मीकि समाज की बारात निकलने के दौरान सड़क पर कार निकालने को लेकर हुई थी कहासुनी। पुलिस के पहुंचने तक आरोपी हो चुके थे फरार। मथुरा में यात्री बस में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। ड्राइवर ने समय रहते रोड किनारे बस रोककर सवारियों को उतारा। बस में मौजूद थे करीब 30 सवारी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको विलेज 1 के फ्लैट नंबर 606 में लगी भीषण आग। फ्लैट के बाहर से धुआं निकलने पर आसपास के सोसाइटी के लोगों में मची खलबली। आग लगने के दौरान फ्लैट में नहीं था कोई भी मौजूद। आसपास के लोगों ने फ्लैट का गेट तोड़कर आग पर पाया काबू। घर का सामान जलकर खाक। बिसरख थाना क्षेत्र का मामला। श्रावस्ती जनपद में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। खेत की जुताई करने के बाद घर लौट रहा था किसान। अनियंत्रित ट्रैक्टर खेत में पलटा। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर के नीचे एक घंटे तक दबा रहा। लोगों की मदद से ट्रैक्टर चालक को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। भिनगा कोतवाली के खनपुरवा गाँव की घटना। सहारनपुर की क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली सदर पुलिस ने अंतर्राज्य वाहन चोर गिरोह के 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चोरी की 15 लग्जरी कार, एक बोलेरो पिकअप, एक आयसर कैंटर और एक महिंद्रा ट्रैक्टर के साथ 5 मोटरसाइकिल और अवैध असलाह बरामद। कानपुर में शौच के लिए घर से निकली नाबालिग की हत्या से सनसनी। खेत में पेड़ से फांसी लटका मिला नाबालिग का शव। परिजनों ने गांव के युवकों पर जताई हत्या की आशंका। परिजनों ने कुछ दिन पहले युवती से छेड़छाड़ को लेकर पॉस्को एक्ट में दर्ज कराया था केस। फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। फतेहपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 शातिर चोरों को किया अरेस्ट। चोरों से 1,86,000 रुपए कैश, 9 एंड्रॉइड फोन, 9 हाथ घड़ियां और करीब 15 उड़िया स्मैक की बरामद। सीतापुर में काफी समय से वांछित चल रहे लूट और चोरी के आरोपी 25,000 के नामी बदमाश को महमूदाबाद कोतवाली पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने मुठभेड़ के दौरान दबोचा। जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। आरोपी के कब्जे से तमंचा, 4 कारतूस और मोबाइल बरामद। कानपुर में पुल को लेकर तेज हुई सियासत। 3 पुल जल्द शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू। झकरकट्टी के समानांतर पुल बनकर तैयार, लेकिन अब तक इसे शुरू न होने पर उठ रहे सवाल। 102 करोड़ की लागत से बने इस पुल की 4 बार बढ़ाई जा चुकी डेडलाइन। पुल शुरू होने से लोगों को जाम की समस्या से मिलेगी निजात। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने उत्तराखंड के पारंपरिक पर्व इगास पर गाया गाना। सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है ये गीत। उत्तराखंड की लोकल भाषा में गाया गया गाना। भारत चीन सीमा पर भल्ला गांव में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते गांव में हुए नुकसान का अभी तक प्रशासन ने नहीं लिया जायजा। कार्रवाई न होने से नाराज हैं ग्रामीण। ग्रामीणों ने कही चुनाव बहिष्कार की बात। रुद्रप्रयाग जिले में ढोल तीर कोट की मोटर पुल निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने शुरू किया आमरण अनशन। कहा, जब तक पुल का निर्माण नहीं हो जाता उनकी भूख हड़ताल रहेगी जारी। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने भी दिया समर्थन। रुद्रप्रयाग के ग्रामीण इलाकों में रामलीला के आयोजन से लौटी रौनक। लीला में श्रवण कुमार से लेकर रावण वध और श्री राम के राजतिलक की लीलाओं का किया जा रहा मंचन। दर्शक देर रात तक उठा रहे रामलीला मंचन का आनंद।